हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2 सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला चैप्टर है ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट, यानी कि ईडीपी ऑडिट। अब ये क्या है, तो चैप्टर के हेडिंग में आपको दिख रहा होगा कि ऑडिट ऑन कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स, यानी जो कंप्यूटर में अकाउंट लिखे हैं उसका ऑडिटिंग वर्क करना है। अभी पता है कि नाउअडेज अकाउंट्स टैली जैसे सॉफ्टवेयर में लिखे जाते हैं और वो कंप्यूटर बेस्ड ही अकाउंट लिखते हैं, अब मैन्युअली अकाउंट सिस्टम नहीं रहा या फिर बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसे जगह पे जहां पे कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट लिखा गया है उसका ऑडिटिंग वर्क करना है, दैट इज कॉल्ड ईडीपी ऑडिट। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ये जो ईडीपी है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटिंग, जो कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट का ऑडिट करता है, तो ये पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट वही होगा कि अकाउंट्स जो कंप्यूटर में लिखा जाता है उसके ऑडिटिंग वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो वैसे देखने जाओ तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस, और ये चैप्टर सबसे इजीएस्ट है ऑडिटिंग वर्क में। तो आपको जो ये यूनिट में ये फर्स्ट चैप्टर का ना कंप्यूटर बेस्ड ऑडिटिंग वर्क का, तो ये इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, और ये मोस्टली 14 मार्क्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब तक पिछले 2 साल से इस यूनिट में से आपको 14 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आया है। सो आपके लिए फ़ायदा है कि ये चैप्टर एक तो इजी भी है और ऊपर से आपको इसके 14 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें ऑडिटिंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट्स, दैट इज ईडीपी ऑडिट। चलिए, तो सबसे पहले अब हम हमारे जो चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट, जिसको ईडीपी ऑडिट भी बोला जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो ईडीपी क्या है इसका मीनिंग देख लेते हैं, वैसे ही आपको एग्जाम में कहीं एक्स्ट्रा समझाने को पड़े क्या कि फिर उसका मीनिंग अपने आप लिखना हो तो इसके लिए हम समझ रहे हैं। ये पहले के पेपर में 1-2 मार्क्स में आता था, अब ये चीज़ 7 मार्क्स में तो नहीं आती। तो ईडीपी क्या है देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग दैट इज ईडीपी कैन रिफर टू यूज ऑन ऑटोमेटिक मैथड टू प्रोसेस कमर्शियल डेटा। टिपिकली दिस यूजर कैन रिलेटेड सिंपल रिपीटेटिवली एक्टिविटी टू द प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिमिलर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक अपडेट अप्लाइड टू अन इन्वेंटरीज, बैंकिंग ट्रांजेक्शन अप्लाइड टू अन अकाउंट एंड कस्टमर मस्टर फाइल एंड बुकिंग एक्सेट्रा। देखो जो एक तरह का ऑटोमेटिकली मैथड है, मतलब प्रोसेस कमर्शियल डेटा आपको ऑटोमेटिकली करके दे रहा है, जो रिपीटेड ट्रांजेक्शन है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई प्रोसेस जो आपको हेल्पफुल रहता है, मतलब एक तरह का ट्रांजेक्शन नोट डाउन करने में, तो उसको हम ईडीपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलेंगे। आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, जनरली कोई कंपनी है तो अपने स्टॉक अपडेट के लिए वो कंप्यूटर बेस्ड अपना स्टॉक अपडेट करती है, जिससे क्या उनको एक बटन दबाओगे ना तो पूरा स्टॉक का डिटेल मिल जाएगा, ऐसा कंप्यूटर वर्क करके देता है। बैंक में जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में वो लोग जो एम्प्लॉयज होते हैं बैंक के जो कर्मचारी, वो लोग के पास सभी के पास कंप्यूटर होता है, वो लोग ट्रांजेक्शन का आपका अकाउंट नंबर डाले, सारी डिटेल उनके पास आ जाती है। तो मतलब ऐसा डेटा कि जो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो और ऑटोमेटिकली हो, या फिर आप कह सकते हो स्टोरेज में लिए अच्छा हो, तो वो सिस्टम कहलाती है ईडीपी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है वैसे, और एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है उसका सफर स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ईडीटी। ईडीपी का हमें फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना है, और ये तो सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है। देखोगे आप अभी, फर्स्ट इट वर्क्स एट अमेजिंग हाई स्पीड, इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन नैनो सेकेंड एंड समटाइम इवन इन पिको सेकेंड, विच इज 1000 पार्ट ऑफ नैनो सेकेंड। देखो ये तो कंप्यूटर यानी ईडीपी एक तरह का कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है ना, तो यहाँ पे उनके एडवांटेजेस या फिर कह सकते हो फीचर्स, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, उसकी बात किया है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्पीड हाई होती है। हाँ, सीधी सी बात है, कंप्यूटर जो काम करता है वो नैनो सेकेंड में काम करके देता है, इवन समटाइम इन पिको सेकेंड, जो कि नैनो सेकेंड का 1000 पार्ट है। तो ये बहुत ही इजी यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझाई गई है। सेकेंड, इट हैज़ अ वंडरफुल कैपेसिटी टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, इट कैन स्टोर
करोड़ ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ ये भी सही है कि भाई उसकी कैपेसिटी स्टोरेज की गजब होती है, उसके में बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में, थाउजेंड्स इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। शायद तक अब ह्यूमन बींग के साथ हर बार कंपेयर करें तो हमें इसके फ़ायदे या ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ सकती है, तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी है। और ये तो 11th 12th के बच्चों को भी पढ़ा है ना कि ये सारे कंप्यूटर के या EDP सिस्टम के फ़ायदे, तो वो भी याद रख पाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 3rd, कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विच कैन मैन कैन नॉट डू। यस, कंप्यूटर कंटिन्यूअसली काम कर सकता है, सिर्फ उसका चार्जर चलना चाहिए, राइट? तो कंप्यूटर का जो कंटिन्यूअस काम करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा है, इंसान को अगर कंटिन्यूअस काम कर दे दो तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती है। क्लियर? तो ये भी बहुत ईजी टॉपिक। चलिए नेक्स्ट फीचर नंबर 4, इट कैन वर्क विथ ग्रेट डील ऑफ एक्यूरेसी, फॉर एग्जाम्पल विदाउट मिस्टेक। ऑफ कोर्स इफ द ऑपरेटर कमांड्स एनी मिस्टेक इन फीडिंग द डेटा, कंप्यूटर कैन नॉट करेक्ट इट। हाँ, कंप्यूटर एक्यूरेसी में वर्क कर सकता है विदाउट मिस्टेक, बट कब? जब ऑपरेटर ने कोई गलती ना की हो तो। अगर आप ही गलत डेटा उसमें फिल्ड करोगे, आप गलत कमांड दोगे, तो फिर कंप्यूटर गलती दिखाएगा, वो करेक्टनेस आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने गलत कमांड दिया। कंप्यूटर अदरवाइज एक्यूरेसी के साथ वर्क कर सकता है, राइट? तो ये भी बहुत ईजी। नेक्स्ट वन नंबर 5, अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कमांड गिव टू इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। ये तो सिर्फ पॉइंट अलग बनाया हमने, बाकी ऊपर के पॉइंट के साथ कनेक्शन में है कि वो वर्क भी कर रहा है पर कमांड दोगे तब वर्क करेगा। सीधी सी बात है, उसका वन ऑफ द फीचर है कि उसको कमांड देना पड़ेगा, अपने आप तो वो काम नहीं कर सकता। एक बार कमांड दे दोगे फिर कंप्यूटर वर्क कर सकता है। नंबर 6, अ कंप्यूटर कैन डू मैनी फंक्शंस एट अ टाइम, भाई एक साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं। फॉर विच कमांड हैज टू बी गिवन इट, हाँ उसको कमांड दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन हाईलाइट ऑफ द पॉइंट है मैनी फंक्शंस। नंबर 7, इट्स ऑपरेट ऑटोमेटिकली आफ्टर इट इज सेट बाय मैन टू वर्क। हाँ तो ये एक जैसे पॉइंट है पर इसमें मैंने पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता चले ये पैराग्राफ में आपको समझाना क्या है। ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली, ये इसका मेन है। Once a data has been fed to the command has been given, its work automatically and there is no need to supervision. उसको फिर supervision करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम अच्छी तरीके से कर लेगा। Next number 8, last feature, a computer can perform many functions like storing data, calculation, classifications एंड समराइजिंग इन सेकेंड्स। भाई कंप्यूटर आपको डेटा स्टोर भी करके देता है, कैलकुलेट भी करके देता है, उसको क्लासीफाइड करना हो तो वो भी करके देता है, उसको समराइज करना हो तो वो भी हो सकता है। तो मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हर पॉइंट को हाईलाइट किया, वैसे एक दूसरे के साथ वो पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, मीनिंग सिर्फ उसका अलग अलग निकल रहा है। तो आप इस तरीके से EDP सिस्टम को पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। अभी एक और क्वेश्चन आएगा EDP ऑडिट का, तो ये क्वेश्चन के साथ वो क्वेश्चन भी कनेक्ट में है। अभी हमने देखे फीचर्स ऑफ EDP। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा है, राइट अ नोट ऑन EDP ऑडिट। आगे था EDP के फीचर्स, अब ये EDP ऑडिट यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बेस हम ऑडिट कर रहे हैं ना, उसका पूरा शॉर्ट नोट। तो इसमें क्या आपको लिखना है, फीचर्स के साथ साथ अलग पॉइंट मिलेंगे। बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स वेर अकाउंट्स आर रिटन मैन्युअली एंड वेर अकाउंट्स आर रिटन बाय कंप्यूटर आर द सेम। देखो जो बेसिक प्रिंसिपल है ना ऑडिट करने के, चाहे आप मैन्युअली अकाउंट लिखो या कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट लिखो, वो दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम है। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑडिटिंग दैट विल बी सेम, क्योंकि आपको काम तो ऑडिटिंग ही करना है, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट ही करना है, तो वो तो रूल्स तो दोनों में सेम रहेंगे। चले तो ऑडिटिंग के लिए क्या क्या पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हो आप जब आप ऐसे कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट का ऑडिट कर रहे हो। तब पॉइंट नंबर 1, इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग दैट एन ऑडिटर शुड हैव एडिक्वेट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड कंप्लीशंस इन द वर्क ऑडिट वर्क, द सेम इज ट्रू इवन इन EDP ऑडिट। देखो कोई भी ऑडिटर है जो ऑडिट करने जा रहा है, उसके पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उसको वर्क कैसे कंप्लीट करना है उसका नॉलेज होना चाहिए, तो ही वो ऑडिट कर सकते हैं ना। तो EDP ऑडिट में भी सेम चीज़ लागू होती है, उनके पास ऐसा कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट करने का नॉलेज होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एज इन केस ऑफ अदर ऑडिट्स एन ऑडिटर कैन डेलीगेट हिज वर्क अंडर EDP
टू हिज असिस्टेंट। देखो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, दूसरे ऑडिट की तरह यहाँ पे भी ऑडिटर अपने असिस्टेंट को उसका काम अच्छी तरीके से समझा सकता है, यानी कि उसके असिस्टेंट्स हो सकते हैं, उसके वर्क में एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर थर्ड, बिफोर प्लानिंग ऑफ हिज ऑडिट वर्क द ऑडिटर शुड गेन सफिशियंट नॉलेज अबाउट द EDP सिस्टम। भाई ऑडिटर के ऑडिट करने से पहले उसके पास कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट करने का प्रॉपर सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। तो आगे जैसे ट्रेनिंग था ना, वैसे ही सेम सिमिलर पॉइंट है, बस सिर्फ इसको हाईलाइट अलग तरीके से करके यहाँ पे अलग तरीके से समझाया गया है, मतलब एक जैसे पॉइंट सिर्फ हाईलाइट पॉइंट अलग है। नंबर फोर, देर इज नो ऑडिट ट्रायल, नो प्राइमरी रिकॉर्ड्स एंड नो विजिबल आउटपुट। यानी कि यहाँ पे कोई आपको ट्रायल पहले नहीं मिलेगा कि चलो पहले कैसे चेक करते हैं वो देखने को मिलेगा, कोई प्राइमरी रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट अकाउंट लिखे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको EDP में समझनी है कि कोई ट्रायल नहीं होता, कोई प्राइमरी रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं होता। चलिए तो नेक्स्ट है EDP सिस्टम में पॉइंट नंबर 5, उसका ऑडिटिंग में। ऑफकोर्स द EDP सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बेनिफिशियल टू द ऑडिटर इन सर्टेन रिस्पेक्ट। भाई ये EDP ऑडिट जो सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट का ऑडिट करना, वो जाहिर सी बात है दूसरी ऑडिटिंग सिस्टम से उसके लिए ऑडिटर के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर में ज़्यादातर एक्यूरेसी से काम होता है तो उसमें गलतियाँ नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम वंस द ऑडिटर चेक इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैन आइदर ऑफ टू मैथड्स ऑफ पर्पज ऑफ हिज ऑडिट। भाई अगर उसने यहाँ पे ऑडिट वर्क EDP बेस्ड करना है तो उसकी जो पर्पस ऑफ मेथड है ना ऑडिट करने की, वो दो तरीके से हो सकती है। उसमें सबसे पहला ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर और ऑडिट थ्रू अन कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर उसके पास जो होता है उसमें डेटा वो चेक कर सकता है, या फिर दूसरे कंप्यूटर की मदद से ही उसको ऑडिट वर्क कर सकता है। यानी कि कंप्यूटर का डेटा को चेक करना मैन्युअली, या फिर दूसरे कंप्यूटर की मदद से भी वो चीज़ ऑडिट कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ा EDP ऑडिट की शॉर्ट नोट, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी लिख सकते हो कि EDP सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर है उसका फीचर्स क्या है, दोनों आप साथ में लिख सकते हो 7 मार्क्स में अगर पूछे तो, या फिर 14 मार्क्स में पूछे तो डेफिनेटली लंबा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम समझने जा रहे हैं ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट IMP क्वेश्चन कह सकते हो। ये जो चैप्टर है उसमें दो क्वेश्चन मोस्ट IMP, उसमें से ये वाला ज़्यादा IMP। स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन एंड वी कैन से द कंपोनेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट पार्ट्स को समझाओ, या फिर कह सकते हो स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है ना वो समझाना है। ये वैसे ये क्वेश्चन भी MCOM के हिसाब से बहुत ही आप कह सकते हो लो लेवल का है। MCOM मास्टर लेवल में ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहे हैं वो लोग, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज कितना है। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ईजी वैसे आपको अभी पता चल जाएगा। देर आर 3 मेन कंपोनेंट्स पार्ट ऑफ कंप्यूटर। भाई कंप्यूटर के 3 पार्ट्स हैं मेन कंपोनेंट पार्ट, जिसमें से सबसे पहला इनपुट यूनिट, आप कंप्यूटर को जानकारी दे रहे हो। सेकंड, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU जिसको बोला जाता है। और तीसरा है आउटपुट यूनिट, तो जब आप कंप्यूटर को कुछ बताते हो दैट इज योर इनपुट, फिर वो प्रोसेस करता है, स्टोर करता है, आपको आंसर करता है, दैट इज आउटपुट यूनिट। तो ये 3 मेन कंपोनेंट है जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। चले वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला है इनपुट यूनिट। द कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड टू इट, द यूनिट विच एक्सेप्ट दिस डेटा इज कॉल्ड इनपुट यूनिट, दिस इज डन थ्रू अ कीबोर्ड जस्ट लाइक द टाइपराइटर। The data is received by this unit is of punch card, magnetic tapes, magnetic disk, floppy, cassettes, etc. देखो यहाँ पे इनपुट यूनिट के बारे में हमें बताया गया है कि इनपुट यूनिट यानी कि क्या, जब आप कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करो दैट इज योर इनपुट यूनिट, उसको हम इनपुट यूनिट बोलते हैं। और वो किसकी मदद से करते हो, ये कीबोर्ड की मदद से करते हो या टाइपराइटर की मदद से करते हो। और डेटा जो आप उसमें डाल रहे हो वो कई बार ऐसा होता है पंच कार्ड, मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी कैसेट्स, वो क्या है आप कंप्यूटर को बता रहे हो कि हमें ये काम करना है, तो दैट इज योर इनपुट यूनिट। ये तो ईजी है, और ये वैसे आपको ये इतनी ज़्यादा उसमें डिटेलिंग ना जाए तो भी ये टॉपिक आप आराम से लिख सकते हो। सेकेंड, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, इन फैक्ट द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर।
इट हैज अ थ्री पार्ट्स, भाई ये कंप्यूटर का ब्रेन है ऐसा आप कह सकते हो। और यहाँ से ना MCQ आएंगे, इनपुट यूनिट नीचे में से कौन सा ऐसा पूछेंगे, फिर CPU के तीन पार्ट्स नीचे में से कौन सा एक CPU का पार्ट है ये पूछेंगे। तो इसमें से 100% 40 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, साथ में MCQ भी पूछेंगे। चलिए तो ध्यान रखेंगे हम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के सबसे पहला पार्ट स्टोर यूनिट जिसको बोला जाता है मेन मेमोरी यूनिट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। दिस इज यूनिट विच स्टोर द डेटा फिल्ड टू इट, और इट इज द मेमोरी यूनिट विच रिमेंबर ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू इट द यूज फॉर दिस फॉलोइंग पर्पजेस। जो पहला जो है स्टोर यूनिट यानी मेन मेमोरी यूनिट CPU का एक वन ऑफ द पार्ट, तो वो क्या करता है आपने दिए गए डेटा को वो लोग स्टोर करते हैं, मेमोराइज करते हैं, यानी वो ध्यान में रखते हैं कि आपने क्या पूछा था। और नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो उसमें हिस्ट्री में भी सब कुछ पता चल जाता है कि भाई आपने कौन कौन से उसको कमांड दिए थे, राइट। चलिए तो स्टोर यूनिट का आगे और भी क्या वर्क है ये भी देख लेते हैं हम। इट स्टोर द डेटा प्रोवाइडेड टू द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड्स इट whenever इट इज नीडेड फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। देखो आपने एक बार डेटा प्रोवाइड किया, फिर आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो वो आपको वो डेटा दे देता है क्योंकि वो स्टोर करके रखता है। सेकेंड, इट प्रोग्राम्स स्टोर यूनिट द स्टोर द एंटायर प्रोग्राम फील्ड टू द कंप्यूटर एंड इट्स ऑक्यूपाइड द मिनिमम स्पेस इन कंप्यूटर। जो आप डेटा उसको प्रोवाइड करते हो ना स्टोरेज के लिए, वो उसके लिए ज़्यादा स्पेस भी नहीं यूज़ करता, और कंप्यूटर में बहुत कम जगह उसके लिए होती है, मतलब वो आपको ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करता। नेक्स्ट नंबर थर्ड, इट स्टोर द रिजल्ट ऑफ सब कैलकुलेशन टेम्पररीली पेंडिंग फर्दर प्रोसेसिंग। देखो आपका अगर स्टोर डेटा है, कोई काम पेंडिंग है, तो वो भी आपको वो दिखा देता है कि आपने ये प्रोसेसिंग किया था बट अभी इसका पेंडिंग है, तो वो लोग वो भी स्टोर करता है। तो ये अच्छी बात है कि आपको जो डेटा आपने उसको प्रोवाइड किया है वो उसको स्टोर रखने के साथ साथ आपको वो दिखाता भी है कि इसका कैलकुलेशन या टेम्पररीली ये पेंडिंग है। तो ये इनपुट यूनिट सॉरी CPU का फर्स्ट जो फंक्शन था स्टोर यूनिट, उसके सारे फंक्शंस है। अब सेकेंड, CPU का एक और पार्ट है दैट इज arithmetic एंड लॉजिक यूनिट, उसके बारे में देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स अन arithmetical कैलकुलेशन एट अमेजिंग स्पीड एंड इट्स स्पीड इज measured इन millions ऑफ द सेकेंड। इट परफॉर्म द प्राइमरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। यहाँ पे ये बताया गया है कोई भी प्राइमरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मोस्टली द डिसीजन आर ऑफ यस और नो टाइप्स। सम कंप्यूटर्स हैव गॉट द फैसिलिटी ऑफ गिविंग डिसीजन अबाउट द एक्सटेंट टू विच वन इंफॉर्मेशन इज मोर देन द अदर्स। देखो यहाँ पे जो एरिथमेटिक एंड ये जो लॉजिक यूनिट है उसका मेन काम क्या है, वो एक तो आपको स्पीड में जो आपने कमांड दिया होगा ना इनपुट, वो CPU में ये वर्क करता है कि ये आपको स्पीडली उसका आंसरिंग परफॉर्म करके देता है, यानी कि कोई भी एडिशन, मल्टीपल, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन हो तो वो बहुत ही कम सेकंड में हो जाता है, और आपके अगर वो काम हो सकता है कंप्यूटर से तो जनरली उसका आंसर यस और नो में होता है। मतलब इसका काम ही यही है कि आपने अगर जो कमांड दिया है तो CPU में जैसे स्टोर का एक यूनिट है, वैसे ये अरिथमेटिकल यूनिट का काम यह है कि वो चीज़ों को यस और नो में आंसरिंग करता है आपको, वो उसका बाइफर्केशन करके देता है। चलिए नेक्स्ट है दैट इज कंट्रोल यूनिट, CPU का तीसरा नाम, MCQ में पूछा जाएंगे, तीन नाम याद रखना है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, वंस डेटा इज प्रोवाइडेड टू कंप्यूटर द कंट्रोल यूनिट टेक चार्ज ऑफ दिस डेटा। कमांड गिवन टू कंप्यूटर गोज टू हिज यूनिट एंड अकॉर्डिंगली व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म व्हेन एंड इट इन व्हिच ऑर्डर will all be decided by this unit. This unit called an information from store unit according to requirement of programs gives command to perform a particular operations and send it to output unit and to decide the results. This unit work as a controller of computer.
देखो ये जो यूनिट है ना वो कंट्रोलर की तरह काम करता है। आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया, सीपीयू क्या करता है वो डेटा को कमांड की तरह यूज़ करता है, उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है, वर्क करता है और इन्फॉर्मेशन को वो लोग जो रिक्वायर प्रोग्राम आपने बताया ना, जो आपने इनपुट दिया होगा ना उसके हिसाब से वो काम करता है। तो ये एक तरह का कंप्यूटर का वर्क करने का सिस्टम है। जैसे आपने इनपुट दिया, फिर सीपीयू ने प्रोसेस किया और सीपीयू में तीन मेन काम, स्टोरेज का काम, लॉजिकल आपको आंसरिंग करना और कंट्रोल करना, मतलब जितना आंसर चाहिए उतना ही आपको दिखाना। तो ये सीपीयू का वर्क है। अब तीसरा, कंप्यूटर हमें आंसर कैसे करेगा, आउटपुट यूनिट। जैसे हमने उसको इनपुट दिया तो वो हमें आउटपुट कैसे करेगा, तो आउटपुट के लिए लिखा है दिस यूनिट परफॉर्म द वर्क ऑफ प्रेजेंटिंग द फाइनल रिजल्ट। द कंप्यूटर हैज अराइव्ड आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस ऑफ डेटा प्रोवाइडेड। द रिजल्ट इज जनरली इन मशीन लैंग्वेज एंड दिस यूनिट कवर्स इन टू द प्रॉपर लैंग्वेज इन इट इज प्रेजेंट इन द फिक्स फॉर्म। देखो ये एक फिक्स फॉर्म में दिखा जाता है। तो आउटपुट यूनिट के नाम आपको याद रखना है जो अब आ रहा है, ये आपको एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी है। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। अब ये प्रिंटर क्या है आप जानते हो, अगर कंप्यूटर ने आपने कंप्यूटर को कुछ कमांड दिया, इनपुट दिया, तो वो जनरली मशीन लैंग्वेज समझता है। तो उसकी मदद से वो लोग, वो कंप्यूटर आपको आंसर कैसे करेगा, अगर आपने कोई कमांड दिया तो जैसे प्रिंटर है तो प्रिंटर एक वन ऑफ द आउटपुट यूनिट है। फिर प्लॉटर, अगर आपके पूछे गए क्वेश्चन का आंसर चार्ट या ग्राफ में पिक्चर्स में, तो आपको प्लॉटर की मदद से कंप्यूटर आउटपुट देगा। मॉनिटर, ये तो आप जानते हो कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको आंसर दिखता है। अगर आपने कंप्यूटर के साथ स्पीकर अटैच किया है तो स्पीकर कंप्यूटर बोल के भी आपको आंसरिंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आउटपुट यूनिट की है कि जिसमें आप कंप्यूटर को जब आपने इनपुट दिया था तो वो जनरली आपको आंसरिंग करेगा, प्रेजेंट करेगा। तो ये सारे डिवाइस की मदद से आपको आउटपुट यूनिट में आंसर मिल सकता है। क्लियर हो रहा है? ये 14 मार्क्स का आपका बड़ा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को समझाओ, और ये आप अच्छे तरीके से लर्न कर लेना। चलिए आज के ये लेक्चर में एक और क्वेश्चन जो कि 14 मार्क्स के लिए मोस्ट आईएमपी है, नाम है व्हाट इज जनरल ईडीपी कंट्रोल्स। ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट इट। ये आपका आईएमपी क्वेश्चन कह सकते हो क्योंकि लास्ट साल ये भी 14 मार्क्स में आया था। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Basically, the principle of account manually, where accounts are written manually and where accounts are written by computer are the same. The includes of the following. देखो ये आगे हमने पढ़ चुके हैं कि अगर computer based account लिख रहे हो या manually account लिख रहे हो उसके principle same है। तो ये जो EDP control है उसमें भी वही सारे rules and regulations आएंगे जो manually में हो सकता है। बट पॉइंट्स आपको अभी नीचे जो प्रोवाइडिंग होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ईडीपी कंट्रोल अगर आपको करना है, जनरल कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल में सबसे पहला, इन द मैनुअल सिस्टम देर आर काउंटर चेक इन द सेंस दैट वर्क ऑफ पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अदर, सर्च इज नॉट द केस विद द कंप्यूटर as all the entries in the general and the ledger are made simultaneously. Hence, the organization should be controlled so that there is no confusion between staff. देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको EDP based control करना है, general control करना है, तो उसके related बहुत सारे point आएंगे। उसमें से पहला point है organization control। जैसे देखो मैनुअल में जब अकाउंट लिखते थे तो एक पर्सन का वर्क दूसरा पर्सन चेक करता है ना, वैसे यहाँ पे कंप्यूटर में आप सिमिलर वो चीज़ तो अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आप एंट्री लिखते वक्त अगर ध्यान रखो तो जैसे बैंक में होता है ना, एक इन पर्सन ने ट्रांजेक्शन किया तो उसका मैनेजर या दूसरा कोई सीनियर पर्सन उसको चेक कर लेता है, तो वैसे ही आप अगर साइबरटेनियसली उसको ऑर्गेनाइज करोगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल ईडीपी कंट्रोल में हो सकता है। मतलब आप अपने ट्रांजेक्शन को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। वो कंक्लूजन में लास्ट में स्टाफ के ऊपर बेस है कि वो एक दूसरे का काम चेक कर सकते हैं कि नहीं, ये काम कंप्यूटर में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कंट्रोल ओवर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हाँ, ईडीपी कंट्रोल में मेनली तो है ना ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड आप अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करो तो आपका कंट्रोलिंग काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
तो देखो, देर शुड बी अ क्लियर कट प्रोसीजर लिट डाउन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर. देर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम्स सो दैट नो अनऑथोराइज्ड चेंज इन द प्रोग्राम कैन बी मेड. देखो सीधी सी बात है, आपकी कंपनी अगर ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट लिख रही है तो उसमें जब आपको कंट्रोलिंग चाहिए तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर ही बना दो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से आप डाल सकते हो और आपको वो अच्छी तरीके से वो चीज़ दिखा सकता है. तो जहाँ पे अगर आपका सॉफ्टवेयर अच्छा है तो कंट्रोलिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. तो यही चीज़ ये पॉइंट में समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर. चलिए नेक्स्ट, थर्ड नंबर, थर्ड कंट्रोलिंग में कंप्यूटर ऑपरेट्स. कंप्यूटर ऑपरेट्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना है. देयर शुड बी अ मैनुअल ऑफ हाउ अ कंप्यूटर इज टू बी ऑपरेट और अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मस्ट बी डेवलप्ड इन ईच ऑफ द वर्किंग शिफ्ट. देयर शुड बी अ एटलीस्ट टू ऑपरेटर्स. देखो है ना, कंप्यूटर बेस्ड अगर अकाउंट लिख रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान डेफिनेटली रखना है कि जब कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कोई मैन पावर चाहिए, हाँ कोई इंसान चाहिए, तो ऐसा खास ध्यान रखोगे कि वो ऑटोमेटिक काम करेगा पर उसके ऊपर जो बंदा वर्क कर रहा है अगर अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है तो वहाँ पर एटलीस्ट टू ऑपरेटर होने चाहिए. अगर एक नहीं है तो दूसरा वहाँ पर खड़ा रह के काम करेगा. जैसे अभी कोई भी प्रोडक्शन आप ले लो, ये जनरली ऑडिटिंग के रिलेटेड नहीं है, पर अगर कोई कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, हाँ प्रोडक्शन अभी ज़्यादातर मशीन से बेस हो गया है, तो वहाँ पे क्या है, मशीन अपना काम करेगा पर इसके ऊपर ध्यान रखने वाला इंसान चाहिए. तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपको अगर मैन्युअली काम कर रहे हो, कंप्यूटर के बेस ऑडिट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए कि वर्किंग समय के आपके पास ऑपरेटर्स अच्छे होने चाहिए, तो ये ऑडिटिंग भी कंट्रोल कर सकते हो आप. एरर रूटीन. देखो, देयर शुड बी अ क्लियर कट प्रोसीजर लिट डाउन फॉर करेक्टिंग एरर्स फाउंड इन एनी कंप्यूटराइज रिकॉर्ड और अ प्रोग्राम. भाई कंप्यूटर बेस अगर आप वर्क कर रहे हो और ऑडिट कर रहे हो तो उसमें आप एरर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. और शॉर्ट सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर शुड बी देयर करेक्शन. अगर आपने कोई करेक्शन किया है तो उसमें सुपरवाइजर की करेक्टनेस की सिग्नेचर होनी चाहिए, तो यहाँ पे एरर भी आप दूर कर सकते हो. नंबर नेक्स्ट, फाइव कंट्रोल ओवर स्टेशनरीज. देर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द इश्यूज ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरीज पर्टिकुलरली व्हेन स्टेशनरी कंसिस्ट ऑफ चेक पे ऑर्डर्स एक्सेट्रा. देखो आप जो कंप्यूटर बेस ऑडिट कर रहे हो पर फिर भी उसमें जो स्टेशनरी है उसको भी कंट्रोलिंग करने की बात किया है, जैसे कि कोई चेक्स है, पे ऑर्डर्स है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, वो भी अपलोड करना है. वो अगर कंप्यूटर बेस ऑडिट हो रहा है तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर ट्रांजेक्शन चेक से होंगे, पे ऑर्डर से होंगे, तो ये चीज़ आपको स्टेशनरी भी संभाल के रखनी है ताकि आप उसके रिकॉर्ड को चेक करो तब इसमें आपको फ़ायदा हो. हाँ, रिकॉर्ड चेक करने जाओगे तो स्टेशनरी का रिकॉर्ड भी चेक होगा, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, चेक्स है, पे ऑर्डर्स है, तो उसकी भी पर्टिकुलर फाइल मेंटेन करनी होती है. नंबर सिक्स, कंट्रोल ओवर डेटा एंट्री एंड प्रोग्रामिंग. डेटा एंट्री करो और प्रोग्रामिंग करो तभी थोड़ा ध्यान रखना है, तो हर चीज़ में कंट्रोल की बात है. वॉट इज़ ऑथोराइज टू मेक डेटा एंट्री अ कंप्यूटर एंड विथ हुज ऑटोमेटिकली अ प्रोग्राम इज टू बी फिल्ड इन द कंप्यूटर मस्ट बी लेट डाउन. देखो आप अगर डेटा एंट्री कर रहे हो कंप्यूटर में, ऑथोरिटी आपके पास अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही ये पॉइंट समझाना चाह रहा है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन, कंट्रोल ओवर डेटा फाइल्स. आपके पास जो डेटा फाइल है उसको भी ध्यान से स्टोर करना है. देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ सेफ गार्ड्स ओवर द फाइल्स मेंटेनेंस एंड केयर द मैग्नेटिक टिप्स एंड फ्लॉपीज. मैग्नेटिक टेप का मतलब होता है पेन ड्राइव. हाँ, आप मैग्नेटिक टेप उसी हो उसमें जिसमें डेटा स्टोर कर सकते हो. फ्लॉपी यानी कि एक तरह की कैसेट. तो आपके पास जो ऑडिटिंग आपने किया है कंप्यूटर बेस किया है तो उसका डेटा है ना अच्छी जगह स्टोर करके रखो ताकि इन फ्यूचर में वो आपको अगर कोई मिसप्लेस हो जाए तो काम में आए, अदरवाइज पूरा वर्क तो फिर से करना पड़ेगा ना. तो ये चीज़ भी है कंट्रोल ओवर द डेटा फाइल्स. आप अपनी डेटा फाइल्स को अच्छी जगह दूसरा बैकअप के लिए मेंटेन रखो. नेक्स्ट नंबर वन, हार्डवेयर कंट्रोल. हार्डवेयर आपको पता है, अच्छा एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर. सॉफ्ट यानी कि आप जो इसे पेन ड्राइव वगैरह में सेव करते हो वो. हार्डवेयर यानी कि कॉपी. देर आर मैनी इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल डिवाइस यूज इन द कंप्यूटर एंड द लाइटली डिफेक्ट इन द पार्ट ऑफ विल डिस्प्यूट द वर्किंग ऑफ ADP सिस्टम.
देर शुड बी एन इन बिल्ट सिस्टम ऑफ करेक्शन। देखो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो उसको इनबिल्ट करेक्शन कर सके। क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर या वगैरह का कोई डिवाइस आता है वो अगर डिफेक्ट हो जाए तो उससे आपको काफ़ी डिस्प्यूट हो सकता है, आपको उसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो ऐसा हार्डवेयर पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ इज इन्वेस्टेड इन EDP सिस्टम एंड इट्स डिमांडेड will result into the great loss if the data is destroyed. The company is put the considerable trouble, loss, damage or destruction of to the file, floppy, etc. will be equally troublesome. यानी कि यहाँ पे ये हुए कि आपका कंप्यूटर अगर बेस ऑडिट वर्क हो रहा है, EDP सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो कोई भी अगर लार्ज अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें ऐसा है कि अगर डेटा आपका लॉस हो जाए वैसे सिस्टम आप परचेज ही मत करो। कई बार होता है ना कोई कंपनी के कंप्यूटर्स ऐसा होते हैं जो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करते, जिसकी मार्केट में रेपुटेशन डाउन होती है। तो जब आप ऐसा लार्ज अमाउंट ऐसा EDP सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको लॉस के बारे में ध्यान रखना है कि आपका अगर ऐसा लॉस हो गया, कोई डैमेज हो गया ना, तो बहुत सारा आपका वर्क टाइम जाएगा एज वेल एज मनी जाएगी, यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। तो वहाँ पर ट्रबल सिचुएशन अराइज ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि EDP में जनरल EDP कंट्रोल कैसे होता है, तो जनरली आपको कंप्यूटर बेस्ड जब ऑडिटिंग वर्क कर रहे हो एज ए कंपनी के ओनर, आपको ये सारे EDP कंट्रोल्स याद रखने हैं कि ये चीज़ में गलती ना हो। समझ में आ रहा है? तो अब तक ये चैप्टर में सिर्फ 5 जो क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। एक तो सिर्फ सिंपल था EDP सिस्टम क्या है उसकी पूरा डेफिनेशन था, फिर जो क्वेश्चन किए फीचर्स किए हमने, EDP ऑडिट किया, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट IMP था जो 14 मार्क के लिए था। कुल मिला के ये जो यूनिट है एकदम शॉर्ट एंड स्वीट यूनिट है, मतलब इसमें से यही क्वेश्चन में से पेपर में आएंगे और 14 मार्क्स के लिए इसमें से क्वेश्चन पूछता है। तो आपके लिए सबसे फायदेमंद चैप्टर कह सकते हो पूरे ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। क्लियर? चले तो यहाँ पे ये जो चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है सारे कंप्लीट हो जा रहे हैं। चलिए जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है हम उसके इम्पॉर्टेंट MCQ को भी साथ में कवर कर लेते हैं। तो ये जो ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट है यानी EDP ऑडिट है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला, व्हाट इज SAI फुल फॉर्म? ए सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बी सुप्रीम ऑडिट ऑफ इंडिया, सी बोथ AMB एंड डी नन ऑफ दिस। इसमें आंसर आएगा SAI का फुल फॉर्म है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये मोस्टली 2 बार रिपीट हो चुका है तो ये MCQ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपको फुल फॉर्म याद रखना है। नेक्स्ट नंबर 2, हु कैन अंडरटेक टेस्ट ऑडिट? टेस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? ए कंट्रोलर और ऑडिट जनरल, बी CA, सी बोथ AMB एंड डी नन ऑफ दिस। भाई टेस्ट ऑडिट किसके लिए है? तो ये जनरली है ना गवर्नमेंट ऑडिट का भी एक क्वेश्चन है, ये वहाँ पे भी पूछते हैं यहाँ पे भी आ सकता है। टेस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है। नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ CAAT, भाई CAAT का फुल फॉर्म बताइए। ए सर्टनली एसोसिएटेड अकाउंटिंग टेक्निक्स, सेंट्रल अकाउंटिंग एंड ऑडिट टेक्निक, सी कंप्यूटर असिस्ट एंड ऑडिट टेक्निक, या डी कंप्यूटराइज अकाउंट एनालिसिस टेक्निक। तो इसमें आंसर आएगा सी कंप्यूटर असिस्ट ऑडिट टेक्निक, कंप्यूटर जैसे बताता है उस तरीके से ऑडिट करने की टेक्निक। तो ये सारे फुल फॉर्म्स आपको ये चैप्टर में से पूछते हैं और आपको ये याद भी रखना है। चलिए MCQ में अब नंबर नेक्स्ट 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? नीचे में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? ए इनपुट यूनिट, बी स्टोर यूनिट, सी एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, डी नन ऑफ दिस। भाई स्टोर एंड एरिथमेटिकल तो उसका पार्ट है, ए जो इनपुट यूनिट है वो CPU का पार्ट नहीं है, वो तो अलग से कंप्यूटर का एक पार्ट है, राइट? तो इसमें आंसर ए आएगा। वैसे मैंने ये चलाते वक्त भी आपको बोला था अभी कि ये इसमें से MCQ 100% पूछता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, मेमोरी स्टोर यूनिट इज अ पार्ट ऑफ। मेमोरी स्टोर यूनिट का पार्ट कौन सा है? ए इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी CPU और डी नन ऑफ दिस। भाई मेमोरी यूनिट किसका पार्ट है? CPU का। अभी हमने देखा स्टोर यूनिट का दूसरा नाम है मेमोरी यूनिट, राइट?
तो ये सीपीयू का वन ऑफ द पार्ट है. नंबर नेक्स्ट सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. बहुत कम बच्चों को ही इसका आंसर मालूम होगा. ए फॉर्नेट, बी कोबल एंड सी स्केल एंड डी नन ऑफ अबव. इसमें आंसर आएगा बी कोबल. तो ये जो आपका एमसीक्यू है ये भी आपको एक बार देख लेना है. समझ रहे हो? तो इतने एमसीक्यू जो ये चैप्टर में थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर दिए. अब ये जो हमारा छोटू चैप्टर है यहीं पे आज कंप्लीट होता है. आपको ये मटेरियल कॉपी में एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बाकी के क्वेश्चन जो हम टेक्स्ट बुक में थे हर साल रिफर करते थे, इस बार यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मैंने कंसिडर कर लिया है. सो आपको क्या करना है, पूरा यूनिट देख लिया, जो क्वेश्चन आपको मटेरियल में और जो क्वेश्चन यहाँ पे है सब कुछ नोट डाउन करो ताकि आपको वो याद भी रह जाए. क्लियर हो रहा है? तो आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है और पूरे 14 मार्क्स में भी आ सकता है, ये भी ध्यान में रखो. तो यूनिट नंबर 3 का चैप्टर ऑडिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंट यानी कि ईडीपी ऑडिट यहीं पे कंप्लीट हो रहा है. ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं. ऑल द बेस्ट. जय माता जी. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर and press bell icon for notifications.